हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सब लोग अच्छे होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, आप लोग घर में हैं, घर में रह रहे हैं तो उस टाइम को वेस्ट ना करें। आपको पूरा टाइम मिला है कि आप घर पे हैं, स्कूल आपको जाना नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, यूट्यूब से जो है वो एजुकेशनल वीडियोस को निकाल के देखें, उसका नोट्स बनाए प्रॉपर। और ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं उसको स्किप किए जा रहे हैं या फिर बस स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना बेटा, पूरा डिटेल में जब तक नहीं पढ़ोगे, पूरा लेक्चर नहीं देखोगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो लेक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, नहीं देखना है तो देखो ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। अगर देखना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, डेली एक लेक्चर देखने में कुछ ज़्यादा नहीं, एक से दो लेक्चर देखो, हाफ आवर, 40 मिनट्स, अराउंड 1 आवर यू कैन थिंक। एक घंटे लो, नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे करो, ऐसा करो, फिर संडेज को पूरे नोट्स का रिवीजन करो। इजिली तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। और 11th क्लास प्री रिक्विजिट है क्लास 12th के लिए, और आगे तुम जब जाओगे तो IIT JEE और सारे जो NDA एग्जाम्स हैं उसको दोगे, तो उसके लिए 11th का सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो बच्चे ऐसा लाइटली लेते हैं 11th क्लास को, तो अगर लाइट लोगे तुम तो 12th में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे और मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, इफ़ यू नीड मोर क्वेश्चंस कि सर क्वेश्चंस और ज़्यादा करा दीजिए, तो मैं अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगा और ढेर सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो अभी लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, यूनियंस, इंटरसेक्शंस एंड सो ऑन, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, आइए देखते हैं, बहुत आराम से इसको समझना, बहुत ईजी है। बच्चे जो है जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं, सिंपली बस देखोगे ध्यान से समझ में आ जाएगा, और समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चंस भी तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। दिया हुआ है कि सेट ए मेरा क्या है, x such that x is equal to 2n। ठीक है, x क्या हमारा 2n, उसमें n क्या है, n की प्रॉपर्टी दी हुई है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मींस अगर n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ध्यान समझो सॉल्यूशन में, ये तो तुम्हें दिया हुआ प्रॉपर्टी फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी है। समझो 2n है, 2n जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x क्या है 2n सच दैट x n बिलोंग्स टू नेचुरल, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर ओनली। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो x कितना हो जाएगा, 2 into 1, दैट विल बी इक्वल टू 2। n की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो x कितना हो जाएगा, 2 into 2, 4, और 3 रखा जाए तो x इज इक्वल टू 2 into 3, 6 एंड सो ऑन। जनरली यू कैन थिंक कि x इज इक्वल टू 2n का मतलब क्या है, 2 into n, 2 into सम पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, और 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सेट ए कितना हो जाएगा, सेट ए क्या बन जाएगा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए। नाउ वी विल सी सेट बी। सेट बी में क्या बोला है, x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, n बिलोंग्स टू सेम नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 3n है, सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 into 1, दैट विल बिकम 3। सिमिलरली फॉर 2, x विल बिकम 3 into 2, दैट इज 6 एंड सो ऑन, 9 एंड दैट्स ऑल। ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे मैं 8, 10, 12 कहीं लिखूंगा और इसमें भी आगे कहीं 12 आएगा, तो अगर देखा जाए दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या है भाई, ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ क्या है, 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 जो होगा 6, और 3 का भी मल्टीपल कितना है, 6। तो पहला हमारा जो कॉमन एलिमेंट आया वो कितना है, 6। तो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट 6 है, वैसे ही इसमें 12 आएगा और इसमें भी कितना आएगा, 12। मींस मल्टीपल ऑफ 12 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में हमारा दैट इज 6, सॉरी मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है, 6, 12, 18
एंड सो ऑन है, ये वैल्यू आई, तो जनरली मैं ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर. सो दिस इज अवर आंसर. उम्मीद है बात समझ में आई होगी. ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया है. देख लो, चेक कर लो, इसमें 6, 12, 18 आएगा, इसमें भी 6, 12, 18 आएगा. तो भाई ऑड, इसमें ऑड वाला और ये तो इवन है, तो ऑड के बराबर तो कभी नहीं होगा, मतलब इवन इवन के बराबर हो, तो इसमें इवन क्या आएगा, 6 का मल्टीपल ही आएगा और वही इन दोनों में कॉमन होगा. ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ सेट ए इज 2, 3, 5, 8, 10, सेट बी इज 3, 4, 10, 12 एंड सी इज गिवन 4, 5, 8, 14. Then he is asking, find the value of A union B intersection A union C. तो मैं फर्स्ट वाले को स्टार्ट करता हूँ. A union B intersection A union C चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले A union B find करूँगा. Find the value of A union B. A union B में भाई 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. A union B मतलब A का भी सारा element और B का भी सारा element present होना चाहिए. 2, 3, 5, 8, 10 सारे present है, 3, 4, 10, 12 सारे एलिमेंट प्रेजेंट है. सिमिलरली ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालते हैं, 2, 3 उधर से 4, 5, 8, 10 एंड 14. उम्मीद है कि सबको यूनियन निकालना आता है. अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन सी. इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको उठा लो. तो कॉमन एलिमेंट देख रहे हो कि यही सारे कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना, ये सारे क्या है, कॉमन एलिमेंट. तो 2, 3, 4, 5, 8 एंड 10 विल बी अवर इंटरसेक्शन, ठीक है ना. तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2, 3, 4, 5, 8 एंड 10. गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करते हैं. ए इंटरसेक्शन बी में देख लो कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा, ए और बी में 3 है, उसके बाद 10 है, 3 और 10 कॉमन एलिमेंट है, तो 3 एंड 10, ठीक है. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी को निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा सेम एलिमेंट है चेक कर लो, ठीक है. तो ए में क्या है, ए में फोर नहीं है, 5, यहाँ भी 5 और यहाँ 8 और यहाँ भी 8. तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट कितना है, 5 और 8. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों में सेम. अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है. सॉल्व करें कितना आएगा, 3, 5, 8 एंड 10. आई होप ये समझ में आया होगा. अच्छा, लास्ट तक वीडियो को देखो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं. अभी तो ये बस स्टार्टिंग में जो है ना, मैं थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना चुनमुनिया बाबू वाला सवाल कराता हूँ ताकि तुम्हें हौसला मिले, हाँ तुमको लगे, फील आए कि सर हमसे हो जा रहा है, ठीक है. तो अच्छा लगता है ना, तो सॉल्व करने में भी मजा आता है ना. नहीं समझ में आया मैथ्स, क्या है क्या, कोई मैथ्स फेंको, बुक फेंक देते बच्चे, हटाओ कौन लगाएगा. अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको मैथ्स आता ही नहीं. तो सबसे पहली बात तो 11th में मैथ्स तुम्हें लेना नहीं चाहिए, ले लिए हो तो ये कभी मत सोचना कि मैथ्स नहीं आता है. नहीं आता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा. कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर मैथ्स नहीं आता. मैंने पूछा, बेटा ये बताओ कि मैथ्स नहीं आता है तो घर पे क्या पढ़ते हो, तो कहता है सर बाकी सब्जेक्ट पे पढ़ता हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ता हूँ. मैं बोला जो काम नहीं आता है उसको सीखना पड़ेगा या जो आता है ऑलरेडी उसको सीखना पड़ेगा. बच्चा सोचने लगा. मैंने बोला मैथ्स पहले से तुम्हें नहीं आता, तुम उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, तो भाई मैथ्स तो और दूर भागेगा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा कि देखो एक तो आ नहीं रहा हूँ मैं इसको, फिर भी ये बुला नहीं रहा, ठीक है, और ये भी भाग रहा है, तो ये उधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, कभी आएंगे क्या कंबाइंड, कभी हो ही नहीं सकता. तो प्रैक्टिस स्टार्ट करो, इट विल टेक सम टाइम. कुछ दिन में क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होने लगेंगे, तो खुद इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है. तो आई होप कि तुम लोग ऐसा करोगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. इसमें चार पार्ट्स हैं, जनरली ये बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट है,
कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस पे है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, किसी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, उसको बोलते थे हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, मैंने बताया था कि ए जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ये तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करो, यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बना लो, सबसे अच्छा है। या तो तुम वेन डायग्राम बना लो, दोनों तरीके से मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली भी कैसे करेंगे और वेन डायग्राम से भी, तो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको सेट ए बोल देता हूँ। ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 3 और 5, और सेट ए में 4 और 6, और इधर 1 और 7। ठीक है, तो बचा कितना, 2 और 8 कहीं मान लो इधर है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में पूरा 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है। सेट ए में क्या है, सेट ए में सॉरी ये ए मान लो और ये बी, उल्टा लिख दिया मैंने। सेट ए में जो है वो 3, 4, 5 और 6 है, सेट बी में 1, 3, 5, 7 है, और दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5। अब समझते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब। ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं भाई, ये जो होगा पोर्शन, ये वाला ए को छोड़ के जो बाकी बचे रहेंगे, तो ए में बस क्या एलिमेंट है, 4, 3, 4, 5, 6, ए को हटा दो। ठीक है ना, ए को हटा दो, जो बचा वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में पहले निकालूंगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, अभी ऊपर लिखा है मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो 3 हटाना है 4 हटाना है 5 हटाना है और 6 हटाना है, बचे कितना, 1, 2, 7 एंड 8। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी हटाना है, बी कितना है हमारा 1, 3, 5, 7, तो 1, 3, 5, 7 को हटा दिया मैंने सारे ऑड नंबर्स को, तो कितना बचा, 2, 4, 6 एंड 8। ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका ये भी है, बार लगा के लिख सकते हैं या डैश लिख के, तो और ऐसे सी भी लिखते हैं, तो ये नहीं कि मतलब कंफ्यूज हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो अब ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का यूनियन ले लो, कितना आएगा, 1, 2, 4, 6, 7, 8। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो कॉमन देख लो एलिमेंट क्या है, 2 और क्या है 8, सो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 2 और 8। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे लिख सकते हो या फिर जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी क्या है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, दैट इज 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये ए यूनियन बी। ठीक है ना, 6 एलिमेंट है टोटल इसमें, 2 और 8 को छोड़ के बाकी सब है ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट को घटा देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पूरा घटा देंगे तो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 2 और 8, तो आंसर इज 2 एंड 8। सिमिलरली फोर्थ वन इज ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, 1, 2, 7, 8, उसमें से बी कॉम्प्लीमेंट घटाना है, आंसर हमेशा ए से आता है, तो आंसर क्या आएगा, 1 और 7, क्योंकि 2 और 8 तो कॉमन है। सर 4, 6 कहाँ गया, मैंने बताया था कि ए माइनस बी में आंसर हमेशा ए से आने वाला है, जो बी का कॉमन एलिमेंट होगा उसको घटा देंगे। आ रही बात समझ में, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को बाहर निकालो, तो ए इंटरसेक्शन ए पूरा ये है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा उसको घटा देंगे। ठीक है, तो दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन, गोइंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला क्या है, कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 4, 6, 7 एंड बी इज इक्वल टू 4, 7, 9, 10, फाइंड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। सिंबल आई होप कि तुम्हें सिंबल याद है, डेल्टा या फिर ऐसा बनाते थे प्लस के ऊपर गोला, तो ये सिमेट्रिकल डिफरेंस का सिंबल है। ठीक है ना, तो हमें ए और बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस, ये डिफरेंस तो अभी मैंने निकाला है, सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे निकालता है। ठीक है,
सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालते थे तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि वो क्या होगा, दो तरीके से लिखवाया था, एक तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एक तो ये था, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी निकालो उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, ए यूनियन बी निकाल के ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी है जो यूज करना चाहते हो, इसको मैं यूज कर ले रहा हूँ, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 1, 4, 6, 7, 9 and 10, नाउ ए इंटरसेक्शन बी विल बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना, भाई कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है और एक 7 आ रहा है, 4 और 7, तो 4, 7, सो ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी कितना हो जाएगा, दैट इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी घटा दो तो 4 और 7 हट जाएगा, कितना बचेगा 1, 6, 9 and 10, ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। गोइंग फॉर सम गुड क्वेश्चंस, एक दो अच्छे क्वेश्चंस इस टाइप के क्या आ सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग के लिए, तो स्टार्ट करते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है वो समझेंगे, देन व्हाट वुड यू कंक्लूड, सेम अगेन सिमेट्रिकल डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है कि ए और बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या आएगा अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ए अगर प्रॉपर सबसेट समथिंग ऐसा समझ सकते हो कि प्रॉपर सबसेट यदि हुआ तो ए अगर बी का सबसेट है, प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो जो भी वो बात की बात है, बस ये समझो कि सबसेट है, मींस ए या तो बी के बराबर होगा या तो ए जो होगा बी से छोटा होगा, यही चीज हो सकती है भाई, ए बी के बराबर हो जाए या उससे छोटा हो जाए, मतलब जनरली पूरा ए बी के अंदर लाई कर जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ये अगर बी सेट है तो ए पूरा मेरा ये होगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा सेट ए होगा, पूरा बी है उसी के अंदर ए लाई करेगा, वो अलग बात है कि हो सकता है कि बराबर भी हो जाए अगर इम्प्रॉपर सबसेट है तो, लेकिन ये गारंटी है कि ए बी से बड़ा नहीं होगा, दिस इज फिक्स, ए जो होगा बी से बड़ा नहीं होगा, बी हमेशा बड़ा सेट है क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी। अब सिमेट्रिकल डिफरेंस पूछा है और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, हम लोग देखे हैं कि सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है भाई, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी तो भाई पूरा सेट बी और पूरा सेट ए का एलिमेंट, तो बी के तो सारे एलिमेंट ऐसे समझ लो कि सेट बी मान लिया मैंने एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और सेट ए कितना आ गया मान लिया 2 और 3, तो ए यूनियन बी कितना आएगा भाई सेम 1, 2, 3, 4, ए सबसेट ऑफ बी है तो उसके अंदर लाइक कर रहा है, मतलब ये किसके बराबर है बी के बराबर, तो ए यूनियन बी किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना आएगा सेम 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 दैट इज इक्वल टू ए ओनली, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा वाला सेट आता था मैंने पहले भी बताया, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिफरेंस जो होगा वो दोनों सेट का नॉर्मल डिफरेंस मतलब बी माइनस ए के बराबर आएगा, ए माइनस बी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, बी माइनस ए के बराबर आएगा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ठीक है ना, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पे कुछ क्वेश्चन किया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस पे किया, कॉम्प्लीमेंट जो हमने पढ़ा था उस पर किया, और अब जो लास्ट सिमेट्रिकल डिफरेंस पे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है, सिमेट्रिकल डिफरेंस थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन होता है, समझते हैं, ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इंटरवल बेस्ड है, जैसे मैंने क्या लिखवाया था कि ए कामा बी अगर कोई सेट है इंटरवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, तो एलिमेंट जो होगा ए और बी के बीच में लाई करेगा, वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स जो है 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बराबर तो नहीं हो सकता, मतलब ओपन इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि 0 से 3 के बीच में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और यहाँ पे दोनों इक्वल भी है, इक्वल है तो मैंने बोला था कि बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है, तो 1 और 5 के बीच में एक्स बिलोंग करता है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए सिमेट्रिकल डिफरेंस, सॉल्यूशन में आते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस में समझो कि सेम फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि ए माइनस बी, ठीक है सर, यूनियन नहीं ले सकते, यूनियन और इंटरसेक्शन कर दें तो भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी जैसे करना चाहते हो, ए माइनस बी
और यूनियन बी माइनस ए, और दूसरा ये कर सकते हो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। सबसे पहले इसको सेट ए को बनाते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन में बना रहा हूँ, ठीक है, जब भी इंटरवल की बात हो उसको नंबर लाइन पे जरूर प्लॉट कर लेना। एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे, जीरो है, थ्री है और वन है और फाइव है, तो सबको प्लॉट कर लो, जीरो वन और कहीं थ्री और कहीं फाइव। सर जीरो के बाद वन, वन के बाद थ्री आता है, ऐसा नहीं बेटा, बस ये एक जो जो दिया हुआ लिमिट उसको बस प्लॉट कर लेते हैं, ए और बी को वैल्यू को इस पे प्लॉट कर लो, ये नहीं देखना है कि स्केल से नाप के सर बनाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इधर पीछे में माइनस इन्फिनिटी और इधर में प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, नंबर लाइन पे कहीं ऐसा आएगा मैंने मान लिया। पहला सेट क्या बोल रहा है, सेट ए, सेट ए जो है वो बोल रहा है कि थ्री से, सॉरी जीरो से लेके थ्री तक है, मीन्स मेरा ये क्या है सेट ए, ठीक है, जीरो से थ्री और दोनों पे ओपन है, तो ये हमारा क्या है सेट ए। सिमिलरली वन से फाइव, वन से फाइव और वन प्रेजेंट है, फाइव भी प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है सेट बी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए। सर सर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल सकते, निकाल लो बाबू, बार बार बोल रहा हूँ कि जो तुमको समझ में आए उससे कर सकते हो, ठीक है, मैं इससे कर दूँ, ठीक है, इसी से मैं कर देता हूँ, आ रही बात समझ में। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए माइनस बी क्या होता है भाई, जितना बी में कॉमन एलिमेंट है, बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, ये सेम आएगा, ए में से ये घटा देंगे, ठीक है, इतना पोर्शन अगर घट जाएगा, ये पोर्शन अगर घट जाएगा पूरा, ठीक है ना, ये कॉमन है ना, ए और बी में ये कॉमन, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है, इज इक्वल टू वन से लेके थ्री पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, एक में थ्री प्रेजेंट नहीं है, एक में थ्री प्रेजेंट है, तो भाई इंटरसेक्शन क्या होगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी वन प्रेजेंट है, तो क्लोज ब्रैकेट लगे, तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर कोई चाहे तो ए यूनियन बी निकाल सकता है, ए यूनियन बी क्या आएगा सर, वन से लेके पूरा ये आ जाएगा थ्री तक और वन से लेके फाइव तक, मतलब पूरा वन से फाइव तक एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन सॉरी जीरो से फाइव तक एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन जीरो पे ओपन होगा, क्योंकि जीरो प्रेजेंट नहीं है, ना ही बी सेट में प्रेजेंट है, ना ही ए सेट में प्रेजेंट है, ओपन है, फाइव प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनियन। तो अगर इस तरीके से निकालना चाहते हो तो ए यूनियन बी में से जो हमारा ए यूनियन बी, ये पूरा पोर्शन आया है, ए यूनियन बी क्या आया है, अभी यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ, जीरो से लेके जीरो पे ओपन और फाइव पे क्लोज, ठीक है, ये मेरा क्या है सेट बी है, और ये जो मेरा आया है दैट इज ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी आया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है वन से थ्री, ए इंटरसेक्शन बी क्या है वन से थ्री, मतलब ये पोर्शन अगर इसको मैं हटा दूं तो बचेगा क्या भाई, वन पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब वन को भी हटाना है, तो बचेगा क्या, जीरो से वन ओपन, ठीक है ना, जीरो से वन ओपन, और इधर क्या बचेगा, थ्री थ्री भी घटाना है, ठीक है ना, थ्री इसके बीच में वो भी घट जाएगा इंटरसेक्शन में, तो कितना आ जाएगा थ्री पे ओपन और पाँच, ठीक है, तो पाँच पे क्लोज लगेगा, आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी पूरा आया, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को जो है बाहर निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था वन से लेके थ्री तक, वन से थ्री तक आया था तो वन पे तो क्लोज ब्रैकेट, सॉरी वन इंटरसेक्शन में वन प्रेजेंट है, ठीक है, वन बाहर निकल जाएगा, लेकिन थ्री नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में थ्री प्रेजेंट नहीं है, तो थ्री इसमें आ जाएगा, तो हमारा ये जो होगा ये दोनों का आंसर होगा, ठीक है ना, ये पोर्शन जो होगा ए माइनस बी की वैल्यू होगी, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, जीरो से लेके वन और यूनियन थ्री से लेके फाइव, ठीक है, ये हमारा आंसर है, जीरो से वन एंड अरे और क्या है यूनियन दिस वन दैट इज थ्री टू फाइव। होप बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए अगर कोई चीज़ तो तुम कमेंट में बताना, मैं दोबारा से उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मतलब फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ और उसमें इंक्लूड करूँगा ऐसे क्वेश्चन, और अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, Okay, that's all for today. Enjoy the day. Bye-bye.